हाँ मैम आप बिल्कुल चिंता मत करो, करण जौहर का तो कोई नाम भी नहीं लेगा पूरे उसके अंदर। हाँ और हाँ मैम, करण जौहर का कोई नाम भी नहीं लेगा पार्टी में, आप बोलो तो मैं कॉफ़ी भी हटवा देता हूँ उसमें से, मेन्यू में से, है ना। हाँ हाँ मैम बिल्कुल 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 बिल्कुल। इवेंट वाले भाई साहब, तुम क्या करने आए हो फिर से यहाँ पे? क्या बात है भाई साहब, करण जोर से इतना कौन चढ़ा हुआ है? अरे क्या बताऊँ यार, कंगना रनौत मैम की एक पार्टी ऑर्गेनाइज करवा रहा हूँ। किस चीज़ की? अरे वो फिल्म फेयर अवार्ड को नीचे दिखाने में कामयाब हो गए ना, उस बात की पार्टी है। हाँ तो वो ऑर्गेनाइज करा रहा हूँ मैम। एक मिनट, तुमको उससे क्या, मैं कोई भी इवेंट करूँगा और तुम अभी जाके किसी को बता दो कि साला वो मैम मेरे मत्थे चढ़ जाएगी अभी 2 सेकंड के अंदर, और तुम यह करने जाओ पहले बताओ। हेलो, हाँ मैम, हाँ मैम कोई पार्टी में केजो भी नहीं बोलेगा। हाँ मैम आप बात मानो, पार्टी में कोई केजो भी नहीं बोलेगा, आप बोलो तो मैं केजो कतली भी हटवा देता हूँ मेन्यू में से। हाँ, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है, तो बिल्कुल आराम से होगा इवेंट अपना। हाँ, जी, हाँ बॉयकॉट जी। हाँ और एक मिनट, तुम यहाँ क्या करना है? तुमको मैंने पहले बोला तुम्हारे यहाँ कोई इवेंट करवाना ही नहीं है हमको। को ना हम एक बात बता दे कि हम भी करण जोहर के रिश्ते में लगते हैं। रिश्ते में? अबे करण जौहर के फूफा के कुत्ते को निलाया था तुमने, उसको मजदूरी बोलते, रिश्तेदारी नहीं बोलते। अरे भाई साहब, वो हमको फिल्म भी ऑफर कर रहे हैं। नेपोटिज्म इतना बढ़िया बहनचोद। हेलो, हाँ मैम, नहीं मैम कोई नेपोटिज्म की कोई बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, तो आपको किसने बोला? हाँ मैम पार्टी में भी कोई नेपोटिज्म की बात नहीं हुई, कोई भी स्टार किड अलाउड नहीं है पार्टी में। हाँ मैम कन्फर्म। हाँ, और कौन अलाउड नहीं है? अब मैम अगर अब स्टार केड ही अलाउड नहीं है तो नशेड़ी तो ऑलरेडी कम हो गए ना। जी धन्यवाद, बॉयकॉट जी। और तुम यहाँ करने क्या आए हो सबसे पहले तो वो मुझे बता दो, है ना, क्योंकि तुम्हारे पास तो बहुत टाइम है, मेरे पास भी टाइम है, लेकिन नहीं रहने दो। क्या काम है तुमको? हमको ना यहाँ पे जासूसी करने भेजा गया है। जासूस? किसी एक जासूस का एग्जाम्पल देना, मेरे को जरा नाम बताना कोई एक जासूस का। जग्गा जासूस। बिल्कुल, अरे वो वैसे हमारा बच्चों को बहुत पसंद है। तुम्हारे आके बच्चों का तो ना पूछो ही मत, है ना। मैं तुमको बताता हूँ, परसों तुम्हारी देवरानी का लड़का नंगा घूम रहा था घर के अंदर, है ना। मैंने उसको आके बेटा कपड़े पहन ले, है ना, तो बोलता नहीं 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 अंकल, मम्मी ने ना गुस्से में आके मेरे कपड़े फाड़ दिए। मैंने कहा बड़ी बलात्कारी मम्मी है तेरी, है ना। फिर मेरे को लाके बच्चा बेचारा परेशान चल रहा है, उसको मैं थोड़ा सा हंसा देता हूँ। तो मैंने उसको कहा कि बेटा इसके अंदर उंगली डाल, उसने उंगली डाली। मैंने सबके सामने जोर से कहा कि वाह बेटा तूने तो टॉयलेट के गटर में उंगली डाल दी। कोई नहीं हंसा उसके अंदर, और तुम्हारी दादी ने तो मुझे पोपले मुँह से गाली दी, बोली है ना। इसके बाद मेरे को लगा कि ठीक है कोई बात नहीं, कोई हंसा नहीं। फिर उसके बाद वो बच्चा मुझे बोलता कि अंकल अंकल आप एक काम, आपकी उंगली दो ना। उस बच्चे ने मेरी उंगली ली और अपनी गांड में घुसा ली, है ना, और जोर से बोलता अंकल ने गांड में उंगली कर दी। और इस बात पे सब हंस रहे हैं। और मतलब क्या बच्चा है यार वो, मतलब उसके उसने मेरी उंगली अपनी गांड में घुसा के मतलब अंदर चुन्नू हो रखे थे अंदर। बड़े आए हाँ जासूस करने, निकल तुम साल हट, फोकट के मेरे को कॉल आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, निकले से।